रिस्क देते हैं माल देते हैं हसरते दिल निकाल देते हैं। मैं भला गैर से मांगू तू भला क्यों मांगू, मुझको जहरा के लाल देते हैं। नौकर अली का हूं मैं, खादिम हुसैन का, नौकर अली का हूं मैं, कहूं मैं खादिम हुसैन का, करता रहूंगा हश्र तक मातम हुसैन का। कितने यजीद माविया आए फना हुए, लहरा रहा है आज तक परचम हुसैन का। देख तू दवास्ता अगले जाने, रब जाने दिल से जाने।
शुक्रिया। हुसैन मेरी झोलिया बादे मेरे नसीबा विच लिखी दियो नादे कीती हुसैन मेरी झोलिया बादे सत पुत्र शेर दोबारा पेश कर रहे हैं कि राय सच बीबियां औलाद कोई ना पाक रसूल की खिदमत से हाजिर होया कसर करा कि मौला सच बीबियां ने औलाद कोई नहीं तुसा खालिक नाल हम कलाम होंगे हो पूछो तो सही मेरे बारे में अपने खालिक कोलों के क्या मेरे नसीबन च कोई औलाद लिखी या नहीं लिखी। पाक नबी ने राबता किया जनाबे जिबरील ने आके पैगाम दिता कि मेरा सोना मुहम्मद मैं ये नसीबा दे विच औलाद लिखी। रोंदा या टुट पिया पाक मौला हुसैन अलैहिस्सलाम वापस लेके आए आखिर रैब एडे वे दरबार एडी वे अदालत बगैर किसी सिफारिश दे जाना इंज कम नहीं होंगे आ तेरा कम करवा मौला खेडते पैन बच्चों के नाने दे कोल आए सलाम किया कि नाना ये नसीबे च औलाद होंगी तेन इतने आवन की कि जरूरत है अगर इस पाक दरबार तो यह खाली जाए इस दरबार नू लाज लगती है मैं हुसैन इसनू एक पुत्र दे दिता है। आहा पाक नबी फरमाया कि मेरा लाल अल्लाह प्यादा दे नसीबे च औलाद मैं लिखी नहीं। हुसैन फरमाया कि नाना मैं दो दिते इंजे गल चलती गई सत्ता से जाके गल खड़ी हुई है तो पाक नबी ने फिर खालिक नाल राबता किया है कि मेरे अल्लाह तू प्यान है मैं लिखे ही नहीं हुसैन प्यान है मैं सब दे छोड़े तो खालिक फरमाया फिर पैगाम आया खालिक दा कि मेरा महबूब ये मेरा ते हुसैन दा मामला है हुसैन दे मुंह विचो निकलते जाने मेरे लोह महफूज ते लिखे जाने तू इस गल नू छड़ जो हुसैन प्यादा है मैं खुदा उस पर ते राजी हाँ सत्ते पुत्र इको टाइम सत्तां बीवियां दे विचों रैब खुश बैठा है लोग मुबारक पे दिन दिन कि यार तू बड़ा खुश नसीब है कि तेनू सत पुत्र रहे तरह बादा है मेरे नसीबा विच लिखी नहीं औलाद कीती हुसैन मेरी झोलिया बादे हुसैन मेरी ढोलिया बादे सत पुत्र तेरा क्या सत पुत्र तेरा क्या
खूबसूरत शेर पेश कर रहे हैं। मस्जिद नबवी है, लखन की तादाद दे विच मजमे असहाबी कराम पाक रसूल नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन कंड ते आके सवार हो गए ते नमाजियां वाले पासे मुंह करके सजदा लम्मा हो गया। नबी ने सोचिया कि अल्लाह की नमाज है, कंठ ते हुसैन है, ना अल्लाह नाराज हो सकता है ना हुसैन नाराज हो सकता है, क्या करा। तो जनाबे जबरील खालिक का पैगाम लेके आए फौर पाक रसूल नो अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह खालिक प्यादे जितने तई हुसैन अपनी मर्जी नाल तेरी कंड तू ना उतरे तू सिर सजदे चू ना चावी क्योंकि नमाज भी मेरी हुसैन भी मेरा। मैं हुसैन नू नाराज नहीं कर सकता, मेरी नमाज दी खैर हुसैन नाराज ना होवे। ताला ने पैगाम दिता है केड़ा, उतनी नमाज पढ़े ना हो चैन जितनी पढ़ावे तेनू मेरा हुसैन। बड़ा खूबसूरत शेर, जितने भी इस अल्लाह की धरती दे नबी आए अपने अपने वक्त विच अपने अपने दीन दी प्रचार करके टुर गए, लेकिन कोई नबी गल हक दी समझा नहीं सकिया, खालिक दा दीन सारा मनवा नहीं सकिया।
थक पिया हर नबी जद थक पिया आधा गया लब जड़ती हुसैन जाने लब जड़ती हुसैन जाने लब जड़ती हुसैन जाने लब जड़ती हुसैन दुआ अगले दुआ
लव जनती हुसैन।